अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार मजीद, आपका दोस्त। और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया ट्यूटोरियल जिससे आप विंडो की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मज़ीद अपने सिस्टम को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस आर। वन बॉक्स का एक मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसमें आपने टाइप करना है TEMP, यानी कि टेम्प्रेरी फाइल का मुखफ़ है ये टेम्प। और जैसे ये ओपन हो जाए, इसके अंदर जितनी फाइलें पड़ी हैं इन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल ए की मदद से, और इनको आपने डिलीट कर देना है। दोस्तों, ये सारी फाइलें जो हैं टेम्प्रेरी होती हैं, इनको डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सिस्टम में ख़राबी पैदा नहीं होती। और एक और आपको बात बताता चलूँ कि इनमें से कुछ फाइलें डिलीट नहीं होती। उनके ना डिलीट होने की वजह क्या है कि कंप्यूटर में वो कहीं ना कहीं पर वो इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बैकएंड से सोर्स ले रही होती हैं और वो डिलीट नहीं होती। तो इनकी फिक्र नहीं करना। दोबारा से विंडो प्लस आर प्रेस करें और इसी टेम्प के फ्रंट पे और बैक पे आपने शिफ्ट की मदद से परसेंटेज का साइन डाल लेना, और इसको भी सेम वैसे ही ओपन कर लें। और इसके अंदर भी ये जितनी फाइलें हैं ये सारी की सारी टेम्परेरी हैं, इनको सेलेक्ट करें और डिलीट कर लें। दोबारा फिर से एक बार रन बॉक्स ओपन करें और यहाँ पे लिखें प्रीफेच PREFECH। ये आपसे परमिशन मांगी थी उसने कि इस फोल्डर में जाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए होती है, तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है और आप उसमें दाखिल हो जाएंगे। सेलेक्ट ऑल करें और इसको भी डिलीट कर दें। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपने एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करना है, और जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपने सिस्टम की स्पीड में पहले की नस्बत बहुत बेहतरी फील होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।